नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पितृ पक्ष में किए जाने वाले एक जरूरी उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो कि आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। पितृ पक्ष में पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करना चाहिए। पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इससे हमारे पूर्वजों की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। पितरों के निमित्त श्रद्धा से कुछ अर्पण करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध या उनके निमित्त दान आदि नहीं करते हैं, तो कहा जाता है कि उन्हें पितृ दोष लग सकता है। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। आज हम आपको 2021 पितृ पक्ष कब से शुरू है, कब समाप्त होंगे, इसके अलावा पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जो यदि आप पितृ पक्ष के दौरान रोजाना करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जो परिजन इस उपाय को करते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करें। इस उपाय को करने के लिए आपको पितृ पक्ष के दौरान रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पीतल का लोटा लें। इस लोटे में जल भरकर थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, जौ और काले तिल मिला लें। अब इस जल से भरे हुए लोटे को खुले स्थान पर ले जाकर सूर्य देव के दर्शन करते हुए इन्हें 3 बार रुक रुक कर इसी लोटे से अर्घ दें। काले तिल को संपन्नता और शांति का प्रतीक माना जाता है। काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है और काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अंत में सूर्य देव के सामने नतमस्तक होकर निवेदन करें कि हे सूर्य देव, मेरे पितरों तक मेरी भावनाएं व प्रणाम पहुंचाकर उनको तृप्त करें। दोस्तों, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान गाय, कौवा, कुत्ते और चींटी को भोग लगाएं। पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मण को दिए जाने वाले भोजन और बनाने के बर्तन कभी भी लोहे के नहीं होने चाहिए। दोस्तों, घर पर किसी का श्राद्ध होने पर या किसी के घर श्राद्ध के भोजन के लिए जा रहे हैं तो शरीर में कहीं भी तेल नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में आप जब भी भोजन बनाएं तो गाय के लिए भोजन जरूर निकालें। दोस्तों, यदि आप पितृ पक्ष के दौरान ये उपाय और नियमों का पालन करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है।